जनपद हापुड़ में दूसरे चरण के तहत शुक्रवार की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। ऐसे में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के वनखंडा के प्रधान भैंसा बग्गी में सवार होकर वोट डालने पहुंचे, जिन्होंने अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया और बताया कि मतदाताओं के लिए ई रिक्शा आदि की व्यवस्था की गई है। लोग अपने अपने वाहनों में वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। सुरेश चंद है और इस गांव का प्रधान हूं मैं, बनखंडा गांव से। वोट डालने के लिए अब से कुछ टाइम पहले, तो मतलब एक आध हफ्ते पहले, जो वोट नहीं डाल सके, जो 80 साल से ऊपर के उम्र के हैं, उनको तो हमने घर पे वोट डलवा दिया है। बहुत सुविधा दी थी और आज वोट डालने के लिए मजूरी की सुविधा कर रखी है और बाइक की भी, कार से भी, किसी को असुविधा ना हो, सबको सुविधा दे रहे हैं वोट डालने के लिए, किसी कोई परेशानी नहीं होगी। और बड़े उत्साह से यहाँ वोटिंग का कार्य चल रहा है। कुमार त्यागी है और मैं बनखंडा का निवासी हूँ और यहाँ जो दूसरा लोकसभा का जो वो चल रहा है चुनाव, उसका दूसरा चरण का आज चुनाव हो रहा है और इस पर्व को, जो ये लोकतंत्र का पर्व है, बड़े ही उत्साह के साथ सभी लोग ग्रामीण यहाँ वोट डालने आ रहे हैं। बुग्गी से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है, कोई कार से आ रहा है और कोई मयूरी से आ रहा है। बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वोट और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ चुनाव चल रहा है। जनपद हापुड़ में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।